आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। रुक करते इस वक्त की कुछ खास खबरों की ओर। ज्ञानवापी मामले में वाराणसी जिला जज की अदालत में आज सुनवाई पूरी हो गई है। मामले में कल अदालत का फैसला आ सकता है। दोनों पक्ष की दलीलें सुनने के बाद जिला कोर्ट ने फैसला कल तक के लिए सुरक्षित रखा है। बता दें कि ज्ञानवापी परिसर में माँ श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना की इजाजत देने और अन्य देवी देवताओं को संरक्षित करने के मामले में सुनवाई आज हुई। इस दौरान कचहरी परिसर के आसपास सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था रही। आज सुनवाई हुई है। फाइल लौट के सिविल जज सीनियर डिवीजन वाराणसी के यहाँ थे, जिला जज वाराणसी के आई है और उसके बाद दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने ये कहा कि इस पर एक आदेश हम कल पारित करेंगे, आप लोग कल आदेश देख लीजिएगा। सुनवाई इस बात पर हुई कि आर्डर 7/11 की दरख्वास्त हमारी प्रतिवादी संख्या 4 की तरफ से थी, तो उस पर सुनवाई होनी है, कोर्ट उसको भी देखेगी। और वादी पक्ष ने कुछ जो कमीशन की कार्रवाई के दौरान वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी वगैरह हुए थे जो कि कापी नहीं मिल पाई है, उसी कापी के लिए मांग की थी, अब उस पर कोर्ट जो मुनासिब समझेगी आदेश करेगी। पर थी कमीशन रिपोर्ट की कापी मुझे उपलब्ध कराई जाए, वीडियोग्राफी उपलब्ध कराई जाए और जो फोटो उपलब्ध कराई जाए। विपक्षी का प्रार्थना पत्र 7/11 पर दावा पुष्टि नहीं है, इसके दोनों पक्ष सुनने के बाद माननीय न्यायालय ने कल आदेश के लिए रख लिया है। कल आदेश हो जाएगा, किस प्रार्थना पत्र कब सुनेंगे। आज कोर्ट ने ऑर्डर रिजर्व रखा है प्रोसीजर डिसाइड करने के लिए कि इस मामले की सुनवाई कैसे आगे बढ़ेगी, क्या प्रायोरिटी रहेगी, किस एप्लीकेशन को पहले सुना जाएगा, किसको बाद में सुना जाएगा। देखिए, ऐसा हरिशंकर जैन साहब की तरफ से दलील रखी गई कि पहले जो है हमें वीडियो कमीशन की चिप के अंदर जो फोटोज़ हैं, जो वीडियो हैं, वो अवेल कराई जाएं ताकि हम उसके अकॉर्डिंग अपना आगे प्रोसीड कर सकें और उसी के साथ हम 7/11 में पार्टिसिपेट करेंगे, 7/11 के आर्ग्यूमेंट पर रिजेक्शन को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। लेकिन सामने से प्रतिवादी पक्ष का कहना ये है कि वो कहीं से कहीं मटीरियल नहीं है, इमटीरियल है और ये आर्ग्यूमेंट भी इमटीरियल है। तो इसी चीज़ को क्लियर करने के लिए कोर्ट ने आज कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं सुनी है 7/11 के ऊपर, और कल का आदेश रखा गया है कि क्या पहले 7/11 को देखा जाएगा या पहले जो है मटेरियल हमें अवेल कराया जाएगा ऑब्जेक्शन फाइल करने के लिए या किसी तरह के सबमिशन के लिए। इंद्रनगर की वार्ड नंबर 26 की सभासद पूनम तिवारी ने दीप पैलेस में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जनपद में हुए भ्रष्टाचार का खुलासा करते हुए बताया कि बीते 5 साल में जो भी प्रस्ताव पास किए गए उन पर कोई काम नहीं किया गया और जनपद में बिना टेंडर के ही निर्माण कार्य करवा दिया गया। आगे पूनम तिवारी ने जिलाधिकारी से अपील करते हुए कहा कि नगर पालिका अध्यक्ष की संपत्ति की निष्पक्षता से जाँच कराई जाए। नगर पालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार के लिए और स्वतर मनमानी ढंग से जो लागू किया गया है, इसमें बोर्ड बैठक में सभी सभासदों ने सर्वसम्मत से पुराना बजट चालू करने की सहमति प्रदान की है। इसके बावजूद भी तानाशाही रवैये से नगर पालिका टैक्स बढ़ा रही है, इस विषय में मैंने प्रेसवार्ता की है। शहर के डिबाई में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का बुलडोजर चला है, जिसके बाद प्रशासन ने दुकानों के सामने लगे ठेले को हटवाए, दोबारा नहीं लगाने की चेतावनी दी और दोबारा अतिक्रमण करने पर कानूनी कार्रवाई का करने का निर्देश जारी किया है। वहीं इस कार्रवाई के दौरान मौके पर डिबाई SDM गजेंद्र सिंह, तहसीलदार, क्षेत्र अधिकारी समेत भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा। कन्नौज में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां युवक ने अपने भांजे की धारदार हथियार से हत्या कर दी। उसके बाद उसने खुद ही पुलिस को सरेंडर कर दिया, साथ ही आरोपी ने अपना जुर्म भी कबूला, जिसमें बाद में पुलिस कर्मियों ने उसे तत्काल हिरासत में ले लिया और पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर घटना की जाँच की है। कन्नौज के थाना सॉरी क्षेत्र के नगला दरियाओ गाँव में सूचना प्राप्त हुई कि सगे मामा भांजे के बीच में गाली गलौज हुई, जिसके बाद जो सुनील कुमार है उसने अपने सगे भांजे की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है।
चंदौली के अलीनगर थाना क्षेत्र के ख्यालगढ़ गांव में अज्ञात बदमाशों ने धारदार हथियार से हमला करते हुए अधेड़ महेंद्र राम को मौत के घाट उतार दिया। वहीं इस घटना को अंजाम देने के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए, जिसकी सूचना मिलते ही मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया, जिसके बाद परिजनों ने इस पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जाँच पड़ताल में जुट गई है। उनकी हत्या की गई है सर, किसी से कुदाई रंजित या कोई और मामला कोई नहीं है सर। क्या चाहते हैं आप लोग? हमें न्याय चाहिए बात। संवाददाता अजित पाठक इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजित, ये क्या कुछ पूरा मामला और उस पे अब किस तरह से कानूनी कार्रवाई की जा रही है? मैम आपको बता दें कि अलीनगर थाना क्षेत्र के ख्यालगढ़ में घटना हुई, लगभग रात में घटना हुई है और सोते समय कुछ हथियारों से सर पर मारा गया, जिससे कान से गंभीर चोटें लगने से कान से मृत्यु हो गई है। वहीं सूचना पाकर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर अग्रिम कार्रवाई में जुटी है। वहीं मृतक के लड़के का कहना है कि जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई हो और जो दोषी हो उसको पकड़ा जाए। तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद अजीत। बिजनौर में शासन की ओर से चलाया जा रहे ऑपरेशन पाताल के तहत चांदपुर पुलिस ने चेकिंग के दौरान 5 आरोपियों को अवैध असलहों के साथ गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने घटना का खुलासा किया और पकड़े गए आरोपी के पास से एक बंदूक, 3 तमंचे और 14 कारतूस बरामद किए। शासन द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन पाताल के तहत चांदपुर पुलिस ने जो हस्तिनापुर से पांडव नगर की तरफ सड़क आती है, पांडव नगर पुलिस ने रायपुर खादर क्षेत्र में वाहन चेकिंग के दौरान 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, जिसमें 2 बाल उपचारी हैं। इनके कब्जे से 1 सिंगल बैरल की बंदूक, 3 तमंचे, उसमें से 1 32 बोर का है, कारतूस बरामद किया गया। गिरफ्तार करके विधिक कार्रवाई करके उनको जेल भेजा जा रहा है। संवाददाता तुषार वर्मा इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तुषार, जिनकी गिरफ्तारी हुई है, किस मामले में गिरफ्तारी हुई और अब इन पर आगे किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? अभियान चलाया जा रहा है ऑपरेशन पाताल, उसके तहत बिजनौर की जो पुलिस है उसकी चांदपुर पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान खादर क्षेत्र से 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से पुलिस ने 1 सिंगल बैरक की बंदूक बरामद की है और 3 अवैध तमंचे बरामद किए हैं, साथ ही कुछ कारतूस भी पुलिस ने बरामद किए हैं। इनके साथ ही 2 जो है वो बाल उपचारी हैं, जिन्हें पुलिस अभिरक्षा में रखा गया है। पुलिस द्वारा इनके ऊपर कार्यवाही करके इन्हें जेल भेजा जा रहा है। तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद तुषार। बहराइच में सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह पर वार्षिक जेठ मेले की शुरुआत हो गई। परंपरा के मुताबिक जियारत के लिए मजार शरीफ का मुख्य फाटक खोल दिया गया। फाटक खुलते ही मजार शरीफ पर हाजिरी लगाने के लिए लोग आने लगे हैं, साथ ही चादर और निशान पेश कर सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। 2 साल मेला नहीं लग पाया था, यही नहीं कहीं भी नहीं लग पाया था। लोग बड़े उम्मीद में थे, जहाँ पे अपने बुजुर्गों के यहाँ जाते हैं, अपनी दुआएं मांगते हैं, अपनी मन्नत मांगते हैं, उसकी उनकी आस्था रहती है, उनकी आस्था पूरी होती है। और दरगाह इंतजामिया इस बार पूरे बड़े पैमाने पर तैयारी की है, प्रशासन का भी सहयोग इसमें मिल रहा है कि जितने भी दायरीन यहाँ आए उनको किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो। रोशनी, पानी, बिजली की पूरी व्यवस्था हम लोग किए हुए हैं, सफाई की पूरी व्यवस्था दरगाह की तरफ से हो रही है। जगह जगह हर बागों में आदमी लगे हुए हैं। अलीगढ़ में चोरों पर लगाम लगाने में पुलिस पूरी तरह नाकाम साबित हो रही है और चोरी की घटना में हर रोज बढ़ोतरी हो रही है। इसी कड़ी में लॉज के बाहर पार्किंग में खड़ी बाइक पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया और ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद पुलिस सीसीटीवी की मदद से चोरों की तलाश में जुट गई है।
एक तरफ जहां पूरी तरह से पुलिस प्रशासन इस तरह के घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए कई तरह के जो नियम कानून है वो ला रही है, कई तरह की योजनाएं ला रही है, कई तरह के अभियान चला रही है, लेकिन फिर भी चोरों और बदमाशों के हौसले बेहद बुलंद नजर आ रहे हैं। वो बड़ी ही बेबाकी के साथ, निडरता के साथ इस जैसी चोरी की घटना को अंजाम दे रहे हैं। संवाददाता नितेश महेश्वरी इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितेश, क्या कुछ ये पूरा मामला है और उस पर अब किस तरह की कार्रवाई की जा रही है? मैं आपको बताऊं, ये पूरा मामला थाना शासनी के इलाके का मथुरा रोड पर एक गेस्ट हाउस में एक पार्टी के दौरान गाड़ी खड़ी करके मैं अंदर गया था। जब मैं जैसे ही बाहर आया तो मैंने देखा कि मेरी गाड़ी नहीं थी। मैंने सीसीटीवी फुटेज देखने की कोशिश करी और देखने के बाद मुझे पता लगा कि वहां पर मेरी बाइक नहीं थी मेरी। और मैंने 112 नंबर पर फोन किया जहां पर पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है और पड़ताल की जा रही है। लेकिन नितेश, किस तरह से कार्रवाई की जाएगी जब एक पत्रकार का ही वाहन सुरक्षित नहीं है, तो बाकी लोग क्या उम्मीद रखते हैं इससे? और पुलिस प्रशासन ने क्या कुछ आश्वासन दिया है अब आपको कि आपकी बाइक लौटाई जाएगी और चोरों का पता जल्द से जल्द लगाया जाएगा? देखा, अगर बात करी जाए तो कहीं ना कहीं प्रशासन तो ये सवाल खड़े करती है कि लगातार इस तरीके की व्यवस्थाएं खराब हो रही हैं और हम एक पत्रकार के साथ ऐसा हुआ है, लेकिन आम आदमी के साथ भी कल दो बाइक और चुकी थी उसी थाना क्षेत्र में जी। तो उसको लेकर दो लोग और तहरीर देने आए थे। इस तरह के मामले लगातार इस थाना क्षेत्र में लगातार चोरी का मामला सामने आ रहा है और इससे काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना देखने को मिल रहा है हम जैसे लोगों को। बिल्कुल नितेश, जिस तरह से आपने बताया कि लगातार चोरी की घटना सामने आ रही है जनपद से, तो क्या इसकी सूचना आप किसी उच्च अधिकारी को दी गई? क्या आपने किसी उच्च अधिकारी से बातचीत करने का प्रयास किया ताकि उनके तक यह बात पहुंचाई जा सके? मैं आपको बता दूं, उसका ये मेरे थाना इंचार्ज से बात हुई थी तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि थोड़ा सा समय दीजिए, हमें इस कार्रवाई को हम आगे बढ़ाते हैं और हम कोशिश करते हैं कि आपको गाड़ी ढूंढ के हम आपको गाड़ी मिल जाए तो एक अच्छी बात है, नहीं तो उसके बाद मैं अपने तरीके से आगे बढ़ूंगा, आगे कार्रवाई करूंगा। जी बिल्कुल बिल्कुल नितेश, इस वाक्य पे कार्रवाई बेहद जरूरी है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। अलीगढ़ के महुआ खेड़ा थाना इलाके के सागवान सिटी में कई परिवार ने अपने घर के बाहर मकान बिकाऊ है के पोस्टर लगाए हुए हैं। बिल्डर पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है। वहीं इस दौरान लोगों ने कहा कि बिल्डर कॉलोनी में बने पार्कों में दलितों के किसी भी कार्यक्रम का आयोजन नहीं होने देता है, जिससे लोग पलायन करने को मजबूर हैं, जबकि पुलिस से इसकी शिकायत करने के बावजूद पुलिस बिल्डर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती है, उल्टा बिल्डर का ही साथ देते हुए नजर आती है। अजय जी, ये बताइए क्या मामला है कि सागवान सिटी में लोगों ने अपने मकान के बाहर जो है मकान बिकाऊ के पोस्टर लगा रखे हैं, तकरीबन 80 से 85 मकानों के बाहर पोस्टर लगे हैं, क्या मामला है पूरा? देखिए, अलीगढ़ में, उत्तर प्रदेश में ये बहुत ही बड़ी विडंबना है कि दलितों के 80-85 मकानों पर मकान बिकाऊ है के बोर्ड लगे हैं। यहाँ के जो लोग हैं वो इनके साथ भेदभाव करते हुए बाबा साहब के जन्म शतक के अवसर पर उनको भंडारा नहीं करने दे रहे, इनको जात सूदक शब्दों से इस्तेमाल करते हैं और अपने अपमान को सहते हुए यहाँ के लोगों ने पलायन करने की ओर लिख दिया कि हम लोग यहाँ से मकान बेच के पलायन करना चाहते हैं, धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं। इन लोगों ने जिलाधिकारी को, कप्तान को, मुख्यमंत्री को सब जगह लेटर भेजे हुए, लेकिन कोई सुनने वाला आज इनकी है नहीं। इसलिए हमें ये पता लगा, हम लोग इनके इसलिए यहाँ पर पहुंचे कि इनको न्याय मिलना चाहिए, इनकी बात प्रशासन को, शासन को सुननी चाहिए, जो इनका अपमान यहाँ पर हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। थाना महुआ खेड़ा स्थित एक कॉलोनी के में निवासी एक वर्ग विशेष के व्यक्तियों द्वारा वहाँ का कॉलोनी के प्रबंधन पे आरोप लगाया गया कि अम्बेडकर जयंती के उपलक्ष्य में उनके द्वारा कॉलोनी में एक प्रोग्राम का आयोजन किया जाना था, जिसके संबंध में उनको जो प्रबंधन की तरफ से कोई स्थान निर्धारित नहीं किया गया, जिसको लेके उस समय पे विवाद उत्पन्न हुआ था। उसी विवाद को लेके कल इनके द्वारा विरोध किया गया और अपने मकानों पर कुछ बोर्ड लगाए गए। इस सूचना पर मौके पर पुलिस और प्रशासन की टीम पहुंची है और दोनों पक्षों से वार्ता कर समस्या जानकारी की जा रही है तथा उसका निराकरण का प्रयास किया जा रहा है।
उत्तर प्रदेश में तेज हवाओं के साथ सुबह से ही हो रहे बारिश ने भीषण गर्मी से बड़ी राहत दी है। जोरदार बारिश है, जहां मौसम सुहाना हो गया, वहीं तेज आंधी और हवाओं की वजह से कई जगहों पर पेड़ गिरने की घटनाएं भी सामने आई हैं। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिन मौसम ऐसा ही बने रहने की संभावना जताई है। आप हमारी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं अलग अलग जनपद की तस्वीरें कि बारिश होने के बाद मौसम तो सुहावना हुआ है, बट तेज आंधी के चलते अगर बात किया जाए तो कई जगह पर पेड़ गिरने की भी जो खबरें हैं वो सामने आई है। हालांकि मौसम के विभाग की वजह से अभी यह अलर्ट जारी किया गया है कि 2-3 दिन तक और मौसम ऐसे ही सुहावना बने रहने की उम्मीद है। अब तक की खास खबरों में इतना ही। देश दुनिया की और ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।